अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुनाए, किस की तरफ जाना, ऐसा ठंडा ठंडा और मतलब खूब मज़े वाला मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी आज और इतना मज़े का मौसम था। बस दुआ थी कि बारिश हो जाए, पर जो है ना बारिश नहीं हुई और इतना मज़े का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी जैसे कि हमें जो है साथ अपने ले के मतलब चली जाएगी, इतनी ठंडी हवा थी। मुझे ये लग रहा था कभी मैं उड़ने लगी हूँ बट उड़ी नहीं। अच्छा जी, तो उसके बाद तो जो है ना मैं आ गई थी रूम में, मैंने कपड़े प्रेस करने थे तीन, जो है ना मैंने हस्बैंड के जो है ना जोड़े जो है ना कपड़े कर लिए थे, प्रेस कर लिए थे और एक रह गया था। तो बीच में जो है ना रोहान भी उठ रहा था बार बार, मतलब उसको भी साथ में देखना था, साथ में कपड़े प्रेस कर रही थी और मौसम जो है ना इतना मज़े का मौसम था। अच्छा ये जो है ना टाइम था तकरीबन दो बजे का टाइम था आई थिंक। हाँ जी, बारिश हो सही तेज़ और ठंडी मज़े वाली। मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना लाइव व्लॉग कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मौसम की अपडेट देते हैं और थोड़ी सी हवा शवा की जो है ना आवाज़ भी सुनाते हैं। थोड़ा सा जो है ना बीच में मैंने लाइव व्लॉग किया था कि मतलब मैं जो है ना थोड़ा सा आपको जो है ना हवा की जो है ना आवाज़ सुनाऊंगी, कितनी मतलब तेज़ थी। आई थिंक आप वो आई हो सही से और आई थिंक ना भी आई हो, बट आप यहाँ जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे कपड़े जो है ना थोड़े थोड़े उड़ रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कितना मज़े का मौसम था। आप लोगों ने जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है किस किस की तरफ जो है ना ऐसा मौसम था और किस किस की तरफ धूप थी। मतलब सुबह जो थी ना वो धूप ही थी, लेकिन इस टाइम के बाद जो है ना मतलब मौसम अच्छा हो गया था। तो उसके बाद जो है ना मैंने कुछ भी जो है ना व्लॉग नहीं किया, कुछ भी शूट नहीं किया सारा दिन। तो हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब उनकी दावत थी साथ फ्रेंड्स के साथ। तो आते हुए जो ना वो लाए थे पीच मार्ट, किस किस को जो है ना ये पसंद है और किस किस ने पी हुई है बताना ज़रूर प्लीज़। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन सब ने जो ना पी ली थी, बस मैंने जो ना नहीं पी थी। मैंने कहा मैं आपके साथ जो है ना शेयर करके पीऊँगी, ऐसे कैसे हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करके ना पीऊँ। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड से ये ना ओपन करवाई बॉटल और जो है ना वो कहते हैं बस भी कर दो, अब पी भी लो इसको। तो मैंने कहा पी लेती हूँ, सब्र करें। तो अच्छा जी, उसके बाद जो ना रात हो गई थी, हम सो गए थे, अब ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं अब बनाने लगी हूँ। फ्राइडे का डे है ये, ठीक है। मैं बनाने लगी थी रोटी, मसाला रोटी, आई थिंक सब जो है ना बनाते ही होंगे, सबको पता ही होगी, तो बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए चाहिए होता है हमें आटा और बेसन और ये सारे मसाले मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, मैंने आपको दिखाई भी। नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, साबुत धनिया और पुदीना चाहिए, खमीर चाहिए और हमें चाहिए मेथी, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डाल लेनी है, ठीक है। मैंने जो है ना सब वन टेबल स्पून डाले हैं, सिर्फ हल्दी जो है ना हाफ टेबल स्पून डाली, ठीक हो गया। और बेसन और आटा जो है मैंने डेढ़ कप डाला, कप मैं आगे आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और टमाटर जो है ना मैंने बड़ा एक लिया है, दो हरी मिर्च ली है मैंने और जो है ना तीन मैंने छोटे जो है ना प्याज लिए हैं, ठीक है, छोटे साइज़ के। तो कप ये वाला मैंने लिया है डेढ़ कप, ठीक है। डेढ़ कप मैंने बेसन का लिया है और डेढ़ ही कप जो है ना मैंने आटे का लिया है, ठीक है। इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। बट आपने जो है ना एक गलती मतलब मुझसे हो गई थी, आपने उस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस आटे को जो है ना पतला नहीं होने देना। मुझसे थोड़ा ये पतला हो गया था, मैंने बीच में थोड़ा सा और भी आटा ऐड किया था बाद में, बट जो है ना वो पतला हो गया ना एक दफ़ा, फिर वो सही नहीं होता। आप बाद में जितना मर्जी आटा ऐड करती जाएँ, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझसे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना पतला हो गया था और रोटी जो है ना बहुत मुश्किल से बनी थी। तो ये रोटी जो है ना तंदूर की ज़्यादा मज़े की लगती है, तो तंदूर तो हमारे पास नहीं था, गैस का तंदूर हो या जो मिट्टी का होता है उसमें तंदूर तो नहीं था, हमने फिर तवे पे बनाई थी, लेकिन वो बनी ऐसी थी जैसे कि वो तंदूर की होती हैं। तो किसी दिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, बड़े मज़े की बनती है अगर आपके पास तंदूर ना हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बनाइएगा। अभी मैं इसको गूंद लेती हूँ और इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना सेट कर देंगे गूंदने के बाद। जैसे कि आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना वैसे, मतलब थोड़ी देर हम सेट करने के लिए रख देते हैं, अक्सर रखते होंगे, अक्सर मतलब नहीं भी रखते, बट थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था तकरीबन 5 से 10 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा वो सेट हो जाता है सही से, फिर अच्छी तरह से मतलब उसको फिर दोबारा गूंद लेते हैं। तो वीडियो को मैंने वहाँ पर थोड़ा सा तेज़ कर लिया था ताकि आप जो है थोड़ा सा इंजॉय करें, ताकि आप जो है वीडियो देखते वक्त ज़रा भी जो है ना बोर ना हो। तो रोटी बना ली थी, रोटी को जो है ना मक्खन में बाद में लगाऊंगी, उस वक्त भी हम लगा सकते हैं वैसे जो है ना उस वक्त जो है ना लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा चले बाद में लगा लेंगे, थोड़ा फ्रेश लगेगा। तो साथ में कोई भी सालन ना आप ले, इससे सालन ना भी हो तो ऐसे भी मतलब चल देते हैं, ऐसे बंदा खा लेता है। मक्खन लगा के उसके साथ चटनी हो या दही वाली हो या दूसरी सिर्फ जो है पुदीने की, मिर्चों की, धनिया की होती है सिर्फ वो हो। तो हमारे पास था सालन, था लौकी, टेंडा, पता नहीं क्या था, मुझे तो सब्जी के नाम ही नहीं आते। अच्छा, चने की दाल थी, बीच में पता नहीं कौन सी सब्जी थी, मुझे सब्जी का नाम नहीं पता, ठीक हो गया। और साथ में भी रायता था और चटनी थी, साथ में अचार हो गया, ठीक है। और साथ में मैंने सैलेड कट कर लिया था, खीरे और प्याज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है साथ में लस्सी हो, लेकिन मुझे लस्सी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार मैं पी लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने नहीं पी।
बहुत मज़े की रोटी होती है, शायद आप लोगों को पसंद हो शायद ना भी हो, शायद आप लोगों ने खाई भी हो और नहीं भी खाई हो। इस रोटी को कहते हैं ठंडी रोटी, पता नहीं क्यों, शायद इसमें बेसन वगैरह है आई थिंक। तो ये बहुत अच्छी होती है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना और बहुत ईजी भी है। तो आप लोग साथ में मतलब चटनी रायता सैलेड वगैरह और कोई भी सालन हो तो सालन ना भी हो तो हम ऐसे भी खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तभी हम लोग जो है ना यहाँ पे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने कहा चले जब हम थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं, थोड़ा सा जो है ना कंघी शंघी करते हैं, और क्योंकि बाल जो है ना मेरे इतने ज़्यादा फ्रिजी से हुए हुए हैं, इनकी भी थोड़ी जो है ना केयर करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं क्योंकि मैंने केयर करना बिल्कुल जो है ना छोड़ी हुई है। अब क्या करूँ, अब करनी पड़ेगी। तो नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और अभी मैं करती हूँ स्किन केयर, थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं क्लिनजिंग मिल्क सॉफ्ट टच का, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है 100 में, ठीक है, 100 रुपीज़, ठीक है, बहुत ही सस्ता है, आप लोग इसे ले सकते हैं। और ये आपसे नॉर्मल जो ना फेस वॉश की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब दिन में आप 3-4-5 जितनी दफ़ा आपने यूज़ करना है, जितनी दफ़ा आप मुँह धोते हैं ना आप उतनी दफ़ा से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपसे जो है ना विंटर में ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई है ना तो ये विंटर में यूज़ लाजमी करें। जो है ना क्लिनजिंग मिल्क होता है जो किसी कंपनी का भी आप ले सकते हैं, सॉफ्ट टच का जो है ना थोड़ा इजी कह रही हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, आई थिंक औरों का भी होगा बट मुझे सॉफ्ट टच का आइडिया है क्योंकि मैंने यही लिया है, तो मैं ये फर्स्ट टाइम जो है ना यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये नॉर्मल मतलब ये जो है ना स्किन को ऑयली कर देता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब क्लीन हो जाती है, इससे आप मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। और ये आल स्किन टाइप के लिए, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये नॉर्मल स्किन के लिए, सारे स्किन वाले जो है ना इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, आपसे जो है ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मैंने अपने पहले भी जो है व्लॉग्स में बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको करती हूँ, अब इसे मतलब दिन में जितनी दफ़ा आप यूज़ करें इसका कोई इशू नहीं है, आपको कोई जो है साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी लाजमी करना है और मेरे चैनल को जो है शेयर करना, ठीक है, और साथ लगे बेल आइकन को भी अपने लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि मेरी कोई भी जो है वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना कर सकें। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है मेरा चैनल जो है जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, आपने जल्दी जल्दी जो है शेयर कर देना है, जहाँ आप कर सकते हैं प्लीज़ कर दिया करें। और अगर मेरे किसी भी वीडियो के ब्लॉग के कमेंट्स ऑफ हों तो आप मुझे किसी जो ना पहले वाले व्लॉग्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, बता दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे जो है ना कमेंट्स ऑफ होते हैं, तो मैं नहीं करती वो, दरअसल जो है ना यूट्यूब वाले जो है ना कर देते हैं, मतलब पता नहीं क्या है यार। अच्छा तो हम इस व्लॉग को करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा, ठीक है, हाफिज़, बाय बाय।